जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू भुजन डायरीज। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त बढ़िया। और बस मंडे की सुबह हो चुकी है, सोमवार शुरू हमारा, हर हर महादेव का दिन है। तो चलिए ब्लॉग शुरू करने से पहले दर्शन कर लीजिए हमारे महादेव जी के। जय महादेव, जय भोलेनाथ शिव परिवार, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स जनक गए हैं नहाने के लिए और मैं जा रही हूँ किचन में। वो फ्रेश होकर मतलब रेडी होकर आए, उससे पहले चलिए फटाफट उनके लिए कुछ नाश्ता बनाते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि बटर के पोहे ऐसे कुछ बनाऊं, तो फिर सोचा कि नहीं चलो, उनको थोड़ा उपमा पसंद है तो उनके लिए उपमा बनाया जाए, आज थोड़े खुश हो जाएंगे। क्या होता है, एक दिन अच्छे से घर पर नाश्ता करने मिलता है ना, जब गर्मा गर्म, थोड़ा सा पूरे वीक का थकान और सब कुछ निकल जाता है, तो थोड़ा सा उनको भी मज़ा आए कि छुट्टी है आज, तो अच्छे से नाश्ता कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग शुरू हो चुका है हमारा और आज है 20 मई। देखिए फ्रेंड्स, टाइम इतना जल्दी जाता है ना कि पता ही नहीं चलता कब जनवरी शुरू हुआ था 2024, और आज 5-6 महीने ख़त्म होने को आ रहे हैं, जून ऑलमोस्ट नज़दीक ही है, तो पता ही नहीं चलता टाइम का। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा लंच जनक के लिए पालक पनीर की सब्जी और मेरे लिए साबूदाना की खिचड़ी। तो रेडी हो चुकी है हमारा अभी का लंच। लंच टाइम एंजॉय करेंगे हम मस्त। और आज उनके फास्ट के लिए मैंने कुछ स्पेशल, और यस जनक ने स्पेशली बनाया है मेरे लिए एप्पल बनाना स्मूदी। यस, अभी मैं भी एक्सपर्ट हो चुका हूँ, तो मस्त इसको भी एंजॉय करेंगे हमारी साबूदाना की खिचड़ी के साथ। यो, तो देखा फ्रेंड्स, मैं भी अच्छा अच्छा बना लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हम भी थोड़ी केयर करते हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। तो मस्त इन्होंने स्मूदी बनाई है, थोड़ी सी टेस्ट की है, अच्छा है टेस्ट। अभी तो ये भी होशियार हो चुके हैं, बहुत कुछ बना लेते हैं। तो देखिए सुबह कैसा था और अभी देखिए मस्त वाली धूप निकली है। तो एक बज चुका है, अभी फटाफट से लंच करके हम निकलते हैं हमारा फर्नीचर देखने जाने के लिए। और हमारा मनी प्लांट इधर मस्त एंजॉय कर रहा है, सन बाथ ले रहे हैं मनी प्लांट जी। चलिए लंच कर लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स बस निकलते निकलते हमें फाइनली 2 बज ही चुके हैं और 2 बजे निकल रहे हैं जाने के लिए। तो चलिए रेडी होकर, और बाहर बहुत ही गर्मी वाली धूप है जो गर्मी देती है, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आज तो मैंने वापस सनस्क्रीन लगा ही लिया है, क्योंकि ये धूप होती है ना वो फिर टैनिंग हो जाता है, इसलिए। चलिए कार तो आज इधर सामने ही है हमारी, ये रही। तो बस निकलते हैं, देखते हैं 5 बजे तक आ जाए तो अच्छा है। तो अभी मैंने अपने लिए ड्रग्स भी ले ली है, अगर जाते जाते खाते खाते जाएंगे। 1 मिनट रख देती हूँ, साथ में ले लेती हूँ ड्रग्स को आगे ताकि। तो बस फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं, अभी ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, 20-25 मिनट जितना होता है। तो हम जा रहे हैं बॉब फर्नीचर में, तो पहले वहाँ जाकर देखते हैं। और आज एक जगह पे वहाँ जो जल्दी से हो गया ना, तो कहीं और भी जाना है, वहाँ से नज़दीक ही है, तो आपको वहाँ भी ले के चलेंगे और दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा है, अभी दिखाती हूँ आपको बाहर जाकर। और मंडे है तो रोड भी थोड़ा हमें कभी इस टाइम पर तो थोड़ा क्लीन ही मिलेगा, ट्रैफिक आई डोंट थिंक सो अभी होगा रोड पर, तो जल्दी से शायद पहुंच जाएंगे। खा पी कर ही निकले हैं, कोई बात नहीं। और छोले आज वही मैंने बॉयल करके रख दिया है, सीटी लगा दी थी, और प्याज नहीं था, अदरवाइज सब्जी भी बन जाती, तो वो लेने भी जाना पड़ेगा। दिन इतने मतलब फास्ट जाते हैं, जैसे मैंने आपको सुबह बताया, ऑलमोस्ट मई ख़त्म होने को आया है, जून आ रहा है, और नेक्स्ट रूट 28 पर चले जैसे। ओके, तो यस देखिए जैसे बताया था कि मंडे का दिन है, वीक डेज है, तो देखिए फ्रेंड्स रोड कैसे लगते हैं वीक डेज में इस टाइम। सॉरी फ्रेंड्स,
फर्क नहीं, वीकेंड में आए वीकडेज में आए, सबको बाहर, घर पे नहीं बाहर ही रुकना है, ऐसा हो गया है। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा, कुछ ऐसी धूप छाई हुई है। ये देखिए इस तरफ से देखिए, ये देखिए। तो चलिए वहाँ जाकर देखते हैं कैसे प्राइस में मिलता है, कैसा मटेरियल। तो यहाँ पे क्या ही बोलने का, यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है कि चलो हमने एक बार ले लिया और हमारी पेढ़ी की पेढ़ी यूज करती रहेगी और हमारा नाम याद रखेगी। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ हर पेढ़ी को जितनी बार सोफा लेना हो, कोच लेना हो, मैट्रेस जो भी लेना हो लेते रहे, मटेरियल ही वैसा होता है। अपनी चॉइस के हिसाब, हाँ, सब अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि उतना टिकता ही नहीं है कि ऐसा हो, पेढ़ी की पेढ़ी आ ही नहीं सकती यहाँ पर। तो बस ऐसा है। चलिए तो जाकर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कौन सी लकड़ी यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। और हमारे यहाँ तो हमें पता भी होता है ना कि साग का लेना चाहिए, और क्या होता है दूसरा, तो शीशम साग ऐसा सब लेना चाहिए, ऐसा होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, बस यहाँ पर तो जो नज़रों को पसंद आया वो ले लो, उठा लो, ऐसा होता है। तो बहुत ही गर्मी लग रही है। चलिए तो थोड़ा सॉन्ग वॉन्ग सुना जाए अच्छा वाला, और थोड़ा एंजॉय करते करते चलते हैं कोच देखने के लिए। फ्रेंड्स ये देखिए, फ्रेंड्स हम जा रहे हैं पीछे, ये देखिए बॉब फर्नीचर। चलिए चलते हैं अंदर अभी। होप सो आए तो है, अच्छा कुछ दिखने मिले और मिल जाए, लास्ट टाइम जो मैट्रेस में हुआ था वैसा ना हो हमारे साथ। चलिए चलते हैं अंदर जाकर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बॉब फर्नीचर में, और फर्नीचर देखना शुरू हमारा। तो ये थोड़ा सा हमें अच्छा लगा है, मैं बैठ के भी दिखा दूँ। हाँ आप बैठ भी सकते हो, जनक को बहुत मजा आ चुका है। हाँ अब हम पूरी रात बैठ के हमारा मूवी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, तो ये अच्छा है फ्रेंड्स। और अगर आपको पूरा सेट चाहिए तो अभी उन लोगों ने प्राइस रखी ही है, और यहाँ पे भी है, इसका 800 है। और ये ऊपर वाला दो सीटिंग है, ये पूरा सेट है उसका। हाँ और हमें 3 सीटर ही चाहिए, हाँ क्योंकि हम पूरा सेट नहीं लेने वाले, तो एक ही लेंगे, तो 3 सीटर अच्छा रहेगा हमारे लिए। और ये सब तो बहुत बड़े हैं, ये तो फिर हमारा खुद का बहुत बड़ा घर हो तो ठीक है, अदरवाइज ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का होता है ना, वो भी अच्छा होता है कि हम सामान कुछ रखना हो तो भी रख सकते हैं। और ये देखिए ये फ्रेंड्स, देखा ये जो देखा उससे थोड़ा सा साइज में थोड़ा छोटा है, तो ये है 600 का। वाओ ये कितना मस्त है, ओहो ये तो वापस राजा शाही। अच्छा मतलब ये पूरा कोच आपको फ्री में मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि प्राइस टैग नहीं है। ये भी ट्राई किया फ्रेंड्स, पर ये इतना मज़ा नहीं आया, इसका भी 600 ही है, पर इसमें इतना मज़ा नहीं आया हमें। और ऐसे एल में तो लेना नहीं है हमें, नहीं नहीं वेलवेट भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है
लेदर में, और ये इसमें ऐसी सिस्टम भी दी गई हुई है। और सबसे बढ़िया तो ये है, यस, या कॉफी कप भी रख सकते हैं यहाँ, हम चार्ज भी कर सकते हैं विथ हमारी लाइट। ये देखिए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? चलिए, आप रिलैक्स कर सकते हो इसके ऊपर। देखो ये भी ऐसे मास्क आपको जैसे एडजस्ट, मतलब बैक का भी मुंह होता है, ऐसे सो भी सकते हो। यस, बस ऐसी सिस्टम तो है। और ये पूरा लेदर मटेरियल है फ्रेंड्स, तो आप अगर आपको मतलब क्लीन भी करना हो तो लेदर को तो आराम से क्लीन भी कर सकते हो। और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 1000। मस्त है, काफ़ी न्यू फीचर्स है इसके अंदर। और ये रही सारी स्विच उसकी, बोल रहे थे कि जब अपना खुद का होगा ना यहाँ पे घर, हाँ ये लेने वाला। चलो ओके, चलो जनक ने फाइनल कर दिया है, तब फिर वो जाके मतलब आराम से लेट सकते हैं, है ना। कोई भी आए तो उनको भी मजा, रिलैक्स हो जाए, है ना, घर पे आके रिलैक्स हो जाए। ये पूरा देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा कोच ऐसे राउंड शेप में दिया हुआ है, तो जिसका मतलब बड़ा सा सिंगल फैमिली हाउस ऐसा कुछ हो तो वो लोग ले सकते हैं। सब पूरा लिविंग रूम ये अच्छे से हो जाता है, तो वो अलग से जो आता है ना 3 सीट 2 सीट, वो सब लेने की जरूरत ही ना रहे, तो ये अच्छा भी लग सकता है। हमने ये भी देखा पर हमें ये इतना पसंद नहीं आया, और जनक को रिक्लाइनर वाला ज्यादा पसंद आ रहा है अभी। ये देखिए, ये लड़का इतना जैसे लेने आया है या खेलने आया है पता नहीं। हाँ, अभी लंच करके आया है, सो मत जाना इसके ऊपर। जनक जिस पर भी बैठते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। 2-3 घर लेने पड़ेंगे अभी। Look at this friends। यार जब हमारा व्हाइट हाउस होगा ना तब हम ये लेंगे फ्रेंड्स। ये पक्का। वाओ। और साथ में ऐसे बाजू में ये भी लगाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, लैम्प। कौन सा लैम्प? ये वाले दो। ओह यार। फ्रेंड्स देखिए, हम बैठ चुके हैं बॉम्ब फर्नीचर में चॉकलेट आइसक्रीम खाने के लिए, तो आप समझ ही गए होंगे चॉकलेट आइसक्रीम खाने बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स ऐसे तो फ्री में तो कोई देगा नहीं, तो मनी पे हो चुका है हमारा, डील हो चुके है हमारी। यस, चीयर्स टू एवरीवन। तो फाइनली अब हमारे सोफा घर आ जाएंगे, तो वो हमने नहीं बताया क्योंकि वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा, जब आएगा ना तभी बताएंगे आपको, तभी दिखाएंगे कौन से पसंद किया है और कैसा कलर पसंद किया है सब कुछ। तो चलिए अभी हम हमारा फर्स्ट टाइम एंजॉय कर लेते, पैसे दिए तो बहुत ख़राब हो रहा था अभी कुछ फ्रेंड्स, चॉकलेट आइसक्रीम लेकर तो मैं बैठ गई, फिर याद आया कि आज मेरा सोमवार है, तो बच गई मैं ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही स्पून लेकर खाने जा रही थी और महादेव जी ने याद करा दिया कि पूर्वी आज सोमवार है, कुछ भी मुँह में मत रखा करो, तो बस वापस, हाँ तो वापस एज यूजल वो आइसक्रीम रख दिया है साइड पे, और अभी जनक खा लेंगे मेरे पाइप का, तो बस चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं खाएंगे, इट्स ओके। हम बाहर आ चुके हैं फ्रेंड्स, बॉब फर्नीचर के बाहर, हमारा सोफा हम बुक करके आए हैं, तो चलिए फाइनली थोड़े दिन में आपको हमारे घर में अभी कुछ अच्छा सा हम अच्छी जगह पे बैठे हुए दिखाई देंगे।
जरा बाहर काढ़ो बाजूवाड़ा जगह नहीं राखी कहीं तो बैसू। देखो फ्रेंड्स लोग इस तरीके से कार पार्क करके जाते हैं, मैं कहाँ अंदर जाऊंगी, समझते ही नहीं लोग। रोज मा जाऊ जो आ थोड़ा पूछ के आती हूँ, हाँ बोलेंगे तो अभी जाऊंगी देखने। तो फ्रेंड्स खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो फिर जनक के हिसाब से रोज में जाओगी तो कुछ ना कुछ तुम्हें वापस पसंद आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं गई तो सीधिया के कारमा की बैठ गई हूँ बस। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से जा रहे हैं हमारा प्याज लेने, वो लेने तो जाना ही पड़ेगा, उसमें क्या खर्चा करें, तो चले चलते हैं। और इसको शांति ही नहीं, एक मिनट। और बस चलिए आज हम कोई नए जगह पे जा रहे हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वो कौन सी जगह है। चलिए आप भी हमारे साथ यहाँ से वहीं घूमते रहिए। Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side. तो फ्रेंड्स ये जो कार जा रही है ना आगे वो सिग्नल पे हमारे बाजू में खड़ी थी ये कार, तो जनक विंडो से देख रहे थे ऐसे ही बाजू में, तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया ड्राइव कर कौन कर रहा है, तो वो ऐसे खड़े देख रहे हैं क्योंकि वो जो ड्राइवर था मतलब जो ड्राइव कर रहा था ना, ये कार काफी हाइट में आती है तो वो बैठी थी फर्स्ट फ्लोर जैसे पे और हम थे नीचे, तो वो थोड़ी हंसी आ गई हमें। हाँ अभी क्या करें, हमारी कार वैसी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आ गए हैं हम हमारी नई सुपरमार्केट त्रिवेणी। तो ये फ्रेंड्स अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ ओपन हुआ है साउथ राइडिंग में, तो आज जाकर देखते हैं यहाँ पर कैसा है। सुनने में तो काफ़ी अच्छा आया है इसके बारे में, तो अभी हम खुद जाकर भी एक्सपीरियंस करते हैं इसका। तो हम त्रिवेणी से तो आ गए, पर मैंने वहाँ कुछ शूट नहीं किया क्योंकि थोड़े जल्दी में है, तो हम फटाफट ख़त्म करके सिर्फ प्याज ही लेना था, तो वो फटाफट से लेकर अभी घर जा रहे हैं। किसी दिन वापस आएंगे ना तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि एक किस टाइप का सुपरमार्केट उन लोगों ने बनाया है, कैसे ऑर्गेनाइज किया है सब कुछ। स्पेस काफ़ी है, अच्छा है, पर वापस जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तब दिखाऊंगी। तो जनक बस कार्ट रखने गए हैं, एक्चुअली यहाँ पर कार्ट रखने की अभी स्पेस नहीं की है, शायद बाद में करेंगे क्योंकि नया नया ही है ना इसलिए, तो वो रखने गए हैं, रख कर आते हैं फिर चलते हैं घर। ऑलरेडी हमें 5:30 हो चुके हैं ना, इसलिए अभी घर जाकर मुझे वापस डिनर भी बनाना है, तो टाइम लगेगा सब, इसलिए जल्दी से जाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स हमारे आज 8:15 हो गए हैं, अभी जस्ट फ्री हुए घर आके पहले सब्जी रोटी बनाई, यस सब्जी रोटी बनाई और जो हमारा स्मूदी बनाया था हमारे जी ने, तो जी ने बनाया था और खुश खुशहाल हो गए। बहुत खुश बहुत अच्छा बना था, तो काफी अच्छा लगा हमें। थैंक यू या इनका फास्ट था, तो मैंने सोचा कुछ बनाया जाए, तो जी ने बीवी जी को खुश कर दिया है। जी ने बीवी जी को, थैंक यू। यस आज हम स्किप करने वाले थे पर फिर हमने सोचा कि चलो जनक ने फोर्स किया, जनक ने फोर्स किया, जनक ने बोला नहीं चलो चलते ही है, थोड़ा सा तो थोड़ा सा भी करके आते ही है, मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो दिया वो सब कर लिया और फिर अभी निकल पड़े हैं, तो वॉक करके फिर सीधा चलते हैं घर और अपना खाना खाएंगे और कल चलते हैं जॉब पर। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन हमारा, तो कुछ काम, हर हर महादेव, सोमवार का दिन था, बस सब कुछ हो गया, तो बस अच्छा रहा है। और आपको ये हफ्ते में अगले हफ्ते में कुछ देखने को मिलेगा, मिलेगा तो आपको, आप लोग भी गैस कीजिए कौन सा होगा। हमने जो भी वीडियो में आपने देखा है ना, गैस कीजिएगा कौन सा लिया होगा और कौन से कलर का लिया होगा। के हाँ फिर हम सरप्राइज खोलेंगे कौन सही है कौन गलत है, है ना, तो मजा आएगा सर। हाँ। ये काम बहुत बड़ा हो गया, और बाय द वे हम दोनों की चॉइस से ही हमने लिया है, दोनों की पसंद, ऐसा नहीं कि इसकी पसंद मेरी पसंद नहीं, इसमें अटक गए थे। हाँ। फिर सोचा कि दोनों को जो पसंद है, हाँ दोनों की पसंद से ही हमने लिया फिर,
तो दोनों ने एक दूसरे को राजी किया फिर आया। ऐसा ही होता है। भी चाहिए कि दोनों को पसंद आए वैसा ही, सिर्फ मुझे पसंद है मुझसे पसंद है वैसा नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ में भी। यस हाँ, तो हम दोनों को पसंद आता है वैसा ही लेते हैं। हाँ, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ मतलब लोगों को। हाँ, वो तो नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले वॉक पे ध्यान देते हैं, वॉक खत्म होने आता है तब मिलता है आपसे। तो चलते चलते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, मस्त वॉक हो गया हमारा और बस अभी घर चलते हैं और डिनर टाइम एंजॉय करते हैं और थोड़ा चपाती छोले भटूरे नहीं थे भटूरे नहीं थे छोले भटूरे चटे चपाती हो चुकी है। हाँ। चलिए लाएंगे कभी कोई दिन, वो जब आती है ना उसको फ्राई मतलब पता नहीं कुछ चपाती जैसी आती है। हाँ। तो वहाँ इस मंदिर में बोला था तो वो लेके आएंगे। हाँ। और वो ट्राई करके आपको बताएंगे, भटूरे एंजॉय करेंगे। चलिए तो आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं वापस कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए एटमॉस्फेयर के साथ या कल क्या होगा पता नहीं है। तो चलिए तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, खुशी से जिए, पॉजिटिवली जिए, मजे कीजिए, मस्त एंजॉय कीजिए। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।